आपको डोरी जो सलवार पजामे या किसी भी चीज़ में नाड़ा या डोरी डालते हैं उसको कमरबंद भी बोलते हैं, तो वो किस तरह बनाएंगे, तो ये इतना चौड़ा हमारे पास पीस है और इसकी हम दो पट्टी इस तरह बना देंगे, तो ये दो ढाई इंच का या डेढ़ इंच का, डेढ़ इंच बहुत कम हो जाएगा, तो दो या ढाई इंच की हमारी पट्टी होनी चाहिए, तो इसको हम डबल काट लेंगे इस तरीके से। तो इस तरह से ये दो पट्टियाँ हमारी हो गई और अब हम इसमें जोड़ लगा देंगे, यहाँ पर सिलाई कर देंगे। तो इन दोनों पट्टियों को हमने जोड़ दिया है, यदि हमारी छोटी ज़्यादा छोटी पट्टी तो और हम इसके अंदर जोड़ लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से एक साइड हम इधर से फोल्ड करेंगे और एक बार इस साइड से फोल्ड करेंगे, और फिर हम इसको दोनों को इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे बीच में। इससे दोनों तरफ से हम फोल्ड करते हुए जाना है अपने कपड़े को, और यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगानी है, ऐसे देंगे, एक बार इस साइड करेंगे, एक बार इस साइड करेंगे, और फिर हम इसको इस तरह से। जोर पर हम थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर देंगे जहाँ पर हमारा जो हो, या किसी चीज़ से हम इसको थोड़ा सा इस तरह से दबा देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा मोटा हो जाता है, और यहाँ पर आराम से सुई को लेना है ताकि हमारी सुई न टूट जाए। आपने हमारी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा बनकर तैयार हो गया, और हम इसको सलवार में कैसे डालेंगे, सलवार में या किसी चीज़ में आप डालना चाहिए तो आप इसको भी डाल सकते हैं। तो देखिए आप इस तरह से इसमें अपने इसको नाड़े को बांध कर एक गांठ लगा दीजिए इस तरह से, इस तरीके से, और किसी भी सलवार में या जिसमें भी आप नाड़ा डालना चाहें, तो जो हम इसमें नेफा बनाते हैं, चिड़िया बनाते हैं, उसमें हम इस तरह से इसको डालेंगे और इस तरह से करते जाएंगे, और इस तरह आराम से इसको गांठ को अंदर कर देंगे इस तरह। और ये हमने इस इधर से शुरू किया था और ये साइड हमारा निकल जाएगा इस तरीके से, और फिर उसके बाद हम अपनी गांठ खोल देंगे इस तरीके से, और ये हमारा ये कबार बंद जो भी आप कहते हैं चाहे बोल सकते हैं। तो इस तरह से करके आप अपने किसी भी चीज़ में अपने नाड़े को डाल सकते हैं, कई बार पर्दे वगैरह भी होते हैं इस टाइप के, तो उन्हें भी डालना होता है, तो इसमें भी आप इस तरीके से डाल सकते हैं। यहाँ पर अपने नाड़े को फंसाइए और पिन की सहायता से भी आप डाल सकते हैं, बड़ा पिन हो तो और अच्छी बात है। इस तरह से दूसरा नाड़ तरह का हम कमरबंद या नाड़ा या डोरी हम जो बनाते हैं, तो किस तरह बनानी है, तो इसमें से हम तीन इसके पार्ट कर लेंगे इस तरीके से, और बराबर बराबर हमारे इस तरह होने चाहिए, तो ये हमें पूरी लंबी पट्टी इस तरह से काटनी है इस तरह से करके, हमें ये पूरी ही पट्टी करनी है, और ऊपर हमें थोड़ा सा छोड़ देना है इसको, और यहाँ आकर हमें इसको थोड़ा सा इस तरह से रोक देना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसको पकड़ना है, ये हमारे तीन हिस्से हैं, और इनको हमने इस तरह जैसे हम बाल गूंथते अपनी चोटी, इस तरह से हमें इसको बिल्कुल बारीक बारीक करके इस तरीके से भी हम अपनी डोरी या कमरबंद या नाड़ा जो बोलते हैं तो वो बना सकते हैं इस तरीके से हम, और ये भी बहुत मजबूत होता है। इस तरह से एक बार इस साइड करना हमने, फिर ये इस साइड करना है, और फिर ये इस साइड करना है, और ये फिर इस साइड करना है इस तरह से।
इस तरह से, जैसे हम सिर की चोटी करते हैं, उस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो इस तरह से आप ये देखिए, इस तरह से आप ये डोरी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको भी हम या तो इसके साथ हम अपने सलवार में किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, या फिर हम इस तरह से चिमटे लेंगे और उसको यहाँ देंगे और इसके द्वारा हम अपने किसी भी नेफे में ये डोरी को डाल सकते हैं और आप पिन भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इस तरह से हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।